हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा या नीतीश कुमार जी बहुमत साबित करके फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उन अटकलों पर अब विराम लगने वाला है और एनडीए खेमे को यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को 5 झटके लगे हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 झटके लगे हैं। 3 बीजेपी के विधायक सदन नहीं पहुंचे हैं और 2 जेडीयू के विधायक सदन नहीं पहुंचे हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के भी विधायक नहीं पहुंचे हैं सदन में। तो दोस्तों, बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये तीनों लोग सदन नहीं पहुंचे हैं। वहीं पे जेडीयू की यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय, ये दोनों विधायक भी सदन नहीं पहुंचे हैं। इन 5 विधायकों को हटा देने के बाद जीतन राम मांझी सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट कर देते हैं, नीतीश जी के खिलाफ वोट कर देते हैं, तो नीतीश सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी और बिहार का इतिहास बदल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी तभी वोट करेंगे जब तेजस्वी यादव उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों, बस कुछ ही देर में मतदान होने वाला है और बिहार के भविष्य का फैसला हो जाएगा।